पुलिस थाना सदर के तहत पड़ने वाले कैडरू गांव में पुलिस ने एक व्यक्ति को 11.94 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, इसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। आरोपी व्यक्ति करीब 2 माह पूर्व भी चिट्टे के कारोबार में हवाला जा चुका है। मुख्य आरक्षी सुनील कुमार की अगुवाई में पुलिस की टीम गश्त पर थी। इस दौरान सूचना के आधार पर कैडरू गांव के मुकेश कुमार उर्फ भरोसा की ट्रक के आधार पर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उक्त व्यक्ति से 11.94 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिले में चिट्टे के बढ़ रहे प्रभाव से युवा पीढ़ी नशे की गश्त की ओर जा रही है। इसे पूर्व सदर पुलिस ने करीब 1 माह पहले अपनी मुहिम के तहत करीब 550 ग्राम स्मैक विभिन्न नशा माफियाओं से बरामद की थी। इस संबंध में एसपी हमीरपुर रमन कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस ने कैडरू गांव के मुकेश कुमार उर्फ भरोसा को 11.94 चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश कर रही है। मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें कि मुकेश कुमार नाम का व्यक्ति जो कैडरू गांव का है, इसके पास से पुलिस ने लगभग 12 ग्राम स्मैक बरामद की है। और जो रूटीन चेकिंग थी उसमें वाहन चेकिंग के दौरान इसकी ये वहां पर गाड़ी समेत आया, गाड़ी छोड़ के भागा। पुलिस ने इसको काबू किया और इसके पास से 12 ग्राम जो स्मैक मिली है, तो ये एक बड़ी सफलता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो पुलिस टीम है वो इस तरह काम करती रही और बाकी इस तरह के मुकदमे और हम लेते रहेंगे। पहले तो जो सूचनाएं जुटाई पुलिस ने उनका ये था कि हमारे पास में एक पूरा डाटाबेस इनका रहेगी, कौन कौन लोग इस कार्य को कर रहे हैं। उसके बाद में बड़े सारे मामलों में पुलिस ने अपनी जांच जो पेट्रोलिंग और साथ ही साथ ट्रैफिक चेकिंग और इस तरह के संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग शुरू करी, तो उसके बाद में इस तरह के मामले सामने आए हैं।